नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। आप सभी का अपने एक नए ब्लॉग में स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज हम एक नए टॉपिक पर बात करेंगे जो है रिलेटेड राजनीति से। जी हाँ दोस्तों, राजनीति से। दोस्तों, बात दरअसल ऐसी है, राजनीति क्या होती है? राजनीति एक देश को चलाने के लिए, एक राज्य को चलाने के लिए एक संस्था है। ठीक है ना बात? अगर राजनीति की बात हम सोचे तो हम क्या है, ये संस्था है जो कि कानूनों के द्वारा, जो कि उचित कानून के द्वारा, लीगल कानून के द्वारा देश को चलाती है, वो है राजनीति। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट संस्था होती है किसी राज्य में, किसी देश में, किसी राष्ट्र के हित में। ठीक है, जो कि देश को बांधे रखती है सीमाओं के, ये देश की सीमाओं के अंदर होती है। ठीक है ना? तो आज हम बात करेंगे राजनीति पर। तो दोस्तों, राजनीति पर बात करेंगे तो आज जैसे कि हमें पता है राजनीति इम्पोर्टेंट चीज़ तो है ही है देश के लिए। आज हमें एक दृश्य देखने को मिला है श्रीलंका के बारे में। श्रीलंका में हालात क्या है? बेकाबू हालात हो चुके हैं श्रीलंका। जी हाँ दोस्तों, बेकाबू हालात हो चुके हैं श्रीलंका में। क्यों हुए श्रीलंका में हालात पता है? आर्थिक संकट आ चुका है श्रीलंका में। किसके कारण? राजनीति के कारण। वो राजनीति के कारण आया है दोस्तों। आर्थिक संकट क्यों आया है श्रीलंका में? क्योंकि वहाँ की सरकार की नीतियों के कारण। क्यों? सब कोई देश माने तरक्की करता है ना, ग्रोथ करता है, किसके कारण करता है? सरकार के द्वारा बनाई गई नीतियों के कारण कोई देश तरक्की करता है, कोई राष्ट्र तरक्की करता है, कोई राज्य तरक्की करता है। लेकिन जब कोई सरकार नीतियां बनाने में ही फेल हो जाए तो समझो उस देश का सर्वनाश, उस देश को बर्बाद होने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है ना? तो यानी कि किसी भी देश की आर्थिक तरक्की, किसी भी राज्य की आर्थिक तरक्की, उनकी इंडस्ट्रियल की ग्रोथ सिर्फ और सिर्फ सरकार की नीतियों पर ही निर्भर करती है। ठीक है? तो ये सब श्रीलंका में सरकार नाकाम रही है पूरी तरह से अपने देश की इंडस्ट्री को चलाने के, आर्थिक नीतियों को अच्छी तरह से बनाने के लिए पूरी तरह से विफल हो चुकी है। जिसका कारण क्या हुआ है, जिसका अंजाम ये हुआ है, रिजल्ट ये हुआ है, आज श्रीलंका देश की जनता भूखमरी की कगार पर आ चुकी है। अब पीने को दूध नहीं है, खाने को खाना नहीं है। क्यों? हाई रेट है, कोई खरीद नहीं सकता, कमी हो चुकी हर चीज़ की। श्रीलंका जो करेंसी है पूरा डिवेल्युएट हो चुका है, डिवेल्युएशन हो चुका है उसका, पूरा रेट गिर चुका है उसका इंटरनेशनल मार्केट में। तो सिर्फ और सिर्फ किसके कारण हुआ? सरकार की नीतियों के कारण, विफलता के कारण। और आपको बता देता हूँ मैं, आज वहाँ का राष्ट्रपति एक वहाँ का राष्ट्रपति है राजपक्षे। ठीक है ना? वहाँ के श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे, वो आज खबर आई है कि अपना देश यानी श्रीलंका को छोड़कर मालदीप भाग चुका है और आज उसको इस्तीफा देना था ऑफिशियल तौर पर, अपनी सरकार की नाकामियों के कारण, अपनी विफलता के कारण आज राष्ट्रपति पद से इस्तीफा देना था उसको। लेकिन वो इस्तीफा नहीं दिया और कहाँ भाग गया? मालदीप, जो कि एशिया का एक छोटा सा देश है, वहाँ मालदीप चला गया भाग के। और जनता का गुस्सा आज फूट चुका है, आज पूरे देश में बहुत ही गृह युद्ध जैसे हालात हो चुके हैं सरकार की नीतियों के कारण। ठीक है ना? तो वहाँ आज की ब्रेकिंग न्यूज़ है कि श्रीलंका में इमरजेंसी लग चुकी है और जनता गुस्सा दुनिया के सामने आ चुका है। और जो मान ली, और सबसे पहले एक बात, ज़रूरी बात करना चाहता हूँ इस वीडियो में, क्या आपको पता है जब ये नई सरकार जो विफल हुई है, इसकी खास बात, ये धर्म के नाम पे आई थी सरकार, धर्म के नाम पे और राष्ट्रहित के नाम पे। यानी कि इसने देश की जनता को नए नए वादे भी किए थे और पागल बनाया था इसने जनता को, सिर्फ सिर्फ अपनी लाल सत्ता की लालसा के कारण, अपनी सत्ता की लालसा के कारण, कि ताकि सत्ता को हथियाया जा सके, लोगों को गुमराह किया था इसने, नए नए सपने दिखाए थे। इसी कारण आज जनता गुस्सा फूटा है।
ताकि सरकार की विफलता हो चुकी है और जनता का गुस्सा फूट चुका है, जनता समझ गई झूठी सरकार थी, ठीक है ना। तो दोस्तों आपको बता देता हूँ, जब ये सरकार आई थी इसने लोगों को बोला था कि राष्ट्रहित के नाम पे हमको वोट दीजिए, पहले ऐसा कुछ नहीं है, हम राष्ट्रवादी हैं, हमें धर्म के नाम पे, वहाँ पर एक समुदाय रहता है जो बहुमत में जो समुदाय मान ले, जैसे भारत में हिंदू हैं, और तो वहाँ पर एक समुदाय रहता है जो उसको बरगलाया था इन्होंने कि हमें वोट दीजिए, ये समुदाय खतरे में है, हम इसको बचाएंगे। जनता ने क्या किया और नए नए सपने दिखाए थे आगे इनकी बातों में, और आज भुगत रही है ये सब अपने नेताओं की नाकामियों का खामियाजा, और अपने फ्यूचर के जो सपने देखे थे उसका अंजाम आज पूरा देश श्रीलंका भुगत रहा है। तो दोस्तों आपसे उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी आई होगी, लगी होगी, और आज से टाइम की लिमिट के कारण हम इतना ही बोलेंगे, तो आप समझ की गई होगी राजनीति के बारे में इस 7-8 मिनट की वीडियो में कि क्या कहना चाह रहा था, ठीक है ना। यानी कि धर्म के नाम पे वोट कभी मत देना चाहिए, हमेशा उन्नती पढ़ाई के नाम पे और हमारे इंडस्ट्रियल उद्योग के मान ले कैसे कि देश तरक्की करे उनकी, ऐसे इन मुद्दे पे जाके हमें वोट देना चाहिए, ना कि धर्म के नाम पे, राष्ट्र के नाम पे, क्योंकि राष्ट्र के तो मान ले चलता है, चलता रहेगा, ये पहले भी चला था और चलता रहेगा। तो दोस्तों आप अपने वोट का भी इन फ्यूचर सही इस्तेमाल कीजिए ताकि देश तरक्की पे जा सके। तो दोस्तों यही कहूँगा कि आज श्रीलंका में जो हालात हैं उसके लिए सरकार ही जिम्मेदार है, उनके अपने नेता ही जिम्मेदार है जिन्हें लोगों को झूठे सपने दिखाए, जिस कारण आज श्रीलंका के ये इतने बुरे हालात, बदतर हालात हो चुके हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो राजनीतिक मुद्दे पे, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में, एक नए ब्लॉग में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।